गण सेना का मुखिया। एक बार देवताओं ने गणों का मुखिया चुनने का फैसला किया। इस कार्य के लिए देवताओं में एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता ये थी कि पूरे संसार का भ्रमण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाए। भ्रमण करने के बाद दोबारा से भगवान शिव के चरणों में प्रस्थान किया जाए। देवताओं ने अपने अपने वाहन लिए और भ्रमण शुरू कर दिया। गणेश जी ने भी इस दौड़ में भाग लिया, लेकिन उनके भारी शरीर का एक चूहे पर सवार होना उनके लिए अनुपयुक्त था। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में ऋषि नारद से मिले। ऋषि नारद ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। गणेश जी को गुस्सा आया और वे दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यात्रा की शुरुआत में एक अकेले ब्राह्मण से मुलाकात अशुभ होती है। नारद जी ब्राह्मणों में सबसे महान थे और स्वयं ब्रह्मा जी के बेटे थे, लेकिन फिर भी यह एक अशुभ लगन था। इसके अलावा यह भी अच्छा नहीं माना जाता था कि यात्रा के बीच में लक्ष्य की ओर जाते हुए कोई ये पूछे कि कोई कहाँ जा रहा है। इस तरह गणेश जी ने खुद को दोगुना बदकिस्मत महसूस किया, लेकिन ऋषि नारद को वे कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन महान ब्राह्मण उनके गुस्से को शांत करने में सफल हो गए। गणेश जी ने उन्हें अपनी उदासी के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें अपनी जीतने की तीव्र इच्छा के बारे में भी बताया। नारद जी ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने उसे पीछे हटने को नहीं कहा, बल्कि हौसला देते हुए कहा, जिस तरह एकमात्र बीज से एक बड़ा पेड़ जन्म लेता है, उसी तरह एकमात्र राम नाम के बीज से ये पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। इसलिए मैदान पर राम का नाम लिखो, उसके आसपास एक चक्कर लगाओ और भगवान शिव जी के पास जल्दी से अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहुंच जाओ। पिता के पास वापस लौटे। उन्होंने पूछा, वे इतनी जल्दी दौड़ कैसे पूरी करके आ गए। गणेश जी ने उन्हें नारद जी से हुई बात के बारे में बताया। भगवान शिव ने उनके उत्तर से खुश होकर अपने बेटे को विजयी घोषित किया और उसी पल से उन्हें गणपति और विनायक के नाम से विभूषित किया जाता है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld.